आज का क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है तो उसकी विक्रय मूल्य 80% बढ़ जाती है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको हमको निकालना है। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे 20% कम हो जाता है, यानी कि 100 में 20%, तो इसको इस तरह लिखेंगे, यानी कि 1/5। अभी आप सोच रहे हैं 1/5 कैसे लिखे, तो यानी कि 20% है तो 20/100, तो आप इसको काट दीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5 × 10, यानी कि 1/5। आप इस 20/100 को काट कर देख लीजिएगा, आ जाएगा। उसी तरह निकालते हैं इसका 80 का, तो 80% का कितना होगा, 1 0 से 1 0 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि हमको मिलेगा 4/5, 8 × 20 = 80 और 20 × 100, तो हमको इतना मिलेगा। यानी कि मूल्य की बात की जाए तो मूल्य क्या होगा, जो 5 रुपये में 5 रुपये था वो 4 रुपये में जा रहा है। विक्रय क्या हो रहा है, विक्रय की बात करें तो 5 में 9 बिक रहा है, ठीक है। ये दोनों को गुना कर लेते हैं, 25 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। कितना का फ़ायदा हो रहा है, 11 के। देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 36 को बिक रहा है, तो कितना का फ़ायदा होगा, 11 का। तो अब इसका हमको निकालना है कि कितना परसेंट फ़ायदा होगा, तो जो फ़ायदा होगा उतना बट्टा क्रैम, यानी कि ये वाला गुने 100, यही तो फॉर्मूला होता है, 25 × 100, यानी कि 44%। ये 44% बढ़ेगा, यानी कि बिक्री पर, यहाँ बोल रहा ना बिक्री पर क्या प्रभाव रहा, यानी कि क्या प्रभाव रहा, तो बिक्री पर इतना परसेंट बढ़ा, यानी कि इंक्रीज रहा, यही हो गया आंसर, यानी कि 44% बढ़ेगा। तो क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो कल, यानी टुडे अपलोड होगा, और टुमारो विल बी नेक्स्ट वीडियो।